हेलो गाइस, तो मैं नितेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका फिर से नए वीडियो में। जी हां, आज हम लोग जा रहे हैं राजसमंद झील। जी हां, जहां मैं रहता हूं इसका नाम है राजसमंद, और राजसमंद झील ही की वजह से ये नाम बहुत फेमस है, और आज वो पूरे 8 साल बाद ओवरफ्लो हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी हाँ, ये झील कभी ओवरफ्लो नहीं होती, क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट झील है जो फर्स्ट टाइम 8 साल 9 साल बाद ओवरफ्लो हुई है। तो वहां जा रहे हैं, मस्ती करने वाला है। चीना तो बोल रहा है कि वो नहाने वाला है, तो देखते हैं क्या करते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है जैसे मेरे दोस्त लोग जाके आए थे तो वो बता रहे हैं। तो चलिए आपको वहां ले चलते हैं। तो प्लीज वीडियो मेरे साथ पूरे बने रहिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी ये जगह, है ना। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग हमारी राजसमंद झील के एकदम आखिरी छोर पे, और देखिए आप कितना शानदार व्यू है। बिल्कुल पिकनिक वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे। कितनी भीड़ है देख सकते हैं आप, कितने लोग खड़े हैं, कितनी बाइक्स खड़ी हैं, छोटे मोटे लारियाँ वगैरह भी लग गई हैं, और हम लोग भी किनारे पे आके देखा तो देखो क्या शानदार सीन मिला है। और हमारे साथ आए थे हमारे कुछ नेबर, जैसे हमारे दो अंकल वगैरह आंटी वगैरह सब साथ में आए थे, तो मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ, लेकिन वो लोग बोले कि आप पहले कुछ खा पी के आएंगे। जब तक पापा और चिन्मय कहाँ रुकने वाले थे, वो लोग तो पहुँच गए। देखो आप कितने शानदार मज़े से नहा रहे हैं। पानी काफ़ी ठंडा था और चीना इसलिए थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन पापा ने उसको हिम्मत दी कि नहीं बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, तू आ जा। तो फाइनली देखो उसको मज़ा तो आ ही रहा था, खैर उसको तो सबसे पहले तो वही गुस्सा था। और यार देखो पापा की गोद में चल के कितना मज़ा आ रहा है उसको। और यहाँ के इस यहाँ पे इतना ठंडा पानी था कि भाई कई लोग तो नहा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ लोग जैसे हमारे चिन्मय और पापा जैसे हिम्मती लोग हैं देखो। और आखिर में ताशु की भी इन लोगों को देख के इच्छा हो गई, फिर मैंने इन लोगों को बुलाया, तब जाके मम्मी और आंटी लोगों की इच्छा हुई कि चलो हम भी नीचे चलते हैं। ताशु का तो मन ही नहीं हो रहा था, नेहा बार बार उसको बाहर निकालनी चाह रही थी कि बेटा तू बाहर आ जा, ठंड लग जाएगी क्योंकि ठंडा पानी है। लेकिन ताशु को देखो, अगर नेहा उतार भी रही है उसको लेके जाना चाह रही है, लेकिन नहीं मैं नहीं आऊँगी क्योंकि भैया बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं। बड़े मज़े कर रहे थे ये लोग, बहुत इन्जॉय किया है। और मैं सही कहूँगा ऐसी जगह पर 100% जाना चाहिए, इतना नेचुरल जगह, इतना शुद्ध पानी, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मतलब हम लोगों ने खुद ने इतना एंजॉय किया, क्योंकि राजसमंद झील जो ये है इतनी बड़ी है कि ये यहाँ पे बहुत कम ही ओवरफ्लो देखने को मिलता है आपको। और आप देखो पूरा कांकरोली, जी हाँ पूरा कांकरोली यहाँ पे उमड़ रहा है। पिछले 15-20 दिनों से कंटिन्यूसली लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और इस बार पहली बार हमें मौका मिला इतने दिनों बाद, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ यहाँ पे। मैंने आंटी को बोला मम्मी वगैरह के सब साथ बैठ जाओ, ये देखो गिरने लगी थी, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा, मैंने कहा संभलो और आप जाके बैठ जाओ, चलते रहोगे कल को गिर गए तो और तकलीफ हो जाएगी। तो वहाँ पीछे मम्मी वगैरह बैठी थी तो मैं इनको बोल रहा था। गाइस फाइनली हम लोग सब नहा धो के फ्रेश हो चुके थे, मैं तो नहीं नहाया लेकिन हाँ बाकी सब तो नहा लिए। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब आपसे मिलता है घर पे। तो गाइस फाइनली हम लोग वहाँ जाके आ गए हैं, और आपने देखा कितनी शानदार जगह थी, कितना पानी निकल रहा है, कितना ओवरफ्लो था, बच्चे सब नहाए, मैं तो नहीं नहाया, पापा बच्चे सब लोग नहाए थे, तो उनको तो बहुत मजा आया। आपको कैसी लगी ये जगह कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है तो प्लीज़ अच्छा लगता है, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।